कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी, प्रभु जी अभी हम यात्रा पर हैं इसलिए वीडियो अपलोड होने में देर हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम। उत्तरकाशी से गंगनानी, उत्तरकाशी से भटवाड़ी, गंगनानी गर्म पानी का कुंड है और उसके बाद हर्षिल धराली होते हुए गंगोत्री की यात्रा है गौमुख तक अगर जाने दिया तो। हर्षिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो मेरे पूर्व जन्म का स्थान है, आपको बताया था कि दिखाऊंगा। गौमुख मार्ग पर इसलिए जाना है कि गौमुख में 3 किलोमीटर आगे राम मंदिर के, आपको बताया था, ललिता माता जी हैं एक गुफा में, उनसे आपको मिलवाएंगे। गंगोत्री में कुछ संत हैं, पता चला है स्वामी सुंदरानंद जी हैं, 94 वर्ष की अवस्था पर वहीं गंगोत्री में रह रहे हैं। उन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ ऊपर यात्रा की है और धराली में जो मैं आपसे तपोवनी माता की बात करता हूँ, संत सुभद्रा जी की, जिनकी पुस्तक का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, उनकी कुटिया है धराली में, वहाँ उन्होंने 1.5 दशक लगभग साधना की है कुटिया में, कुटिया आपको दिखाएंगे। और धराली से 8 किलोमीटर ऊपर एक रास्ता है, उस स्थान को कहते हैं 7 ताल, ट्रैक है बहुत अच्छा, जंगल के बीच में एक ताल है, फिर जंगल है, फिर एक मैदान है, फिर जंगल है, फिर मैदान है, वहां की आपको यात्रा कराएंगे। ये धराली, हर्षिल, ये आसपास का क्षेत्र प्रभु जी ये तपोभूमि रही है, इसलिए मेरी जब यहाँ आता हूँ तो मेरी इच्छा होती है 7-8 दिन यहीं रहूँ, 1 सप्ताह कम से कम। धराली में एक तरफ गंगा जी के उस पार मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है, मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तप किया था। धराली के गंगा जी के उस पार मुखवा है, गंगा जी के जब 6 महीने पट बंद हो जाते हैं तो उनकी मुक्ति यहाँ आ जाती है, विग्रह यहाँ आ जाता है, मुखवा में पूजा होती है, गंगोत्री के सारे पुरोहित मुखवा में ही रहते हैं और मुखवा मतंग ऋषि की तपोभूमि रही है। ये ऋषियों के नाम प्रसिद्ध हैं और धराली में विश्वामित्र की तपोस्थली। तो ये जो हमारे ऋषि हैं ना प्रभु जी, विश्वामित्र, मार्कंडेय, मतंग ऋषि, इन लोगों ने इस स्थान पर आके तपस्या की है, इनके मंदिर हैं यहाँ पर, इनके स्थान हैं यहाँ पर, इसलिए ये स्थान यहाँ की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है। और हर्षिल जहाँ बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये प्रभु जी मेरे पूर्व जन्म का स्थान है, यही गंगा का किनारा। अब हम धराली से 7 ताल की ओर जा रहे हैं प्रभु जी, और यहाँ इस पूरे जंगल में जगह जगह सेब के बाग हैं, तो ये देखिए सारा सेब जो है
से लदे हैं बाघ, देखिए। चढ़ाई है यहाँ से और मुझे वहाँ जाना है, ये सब पूरा पार करके यहाँ से। ये रास्ते में पत्थर गिर जाते हैं तो ये इस तरह से अवरोध आ जाता है, लेकिन ऐसे में ही आप जाते हैं। और देखिए सब क्रॉस करते हुए अब यहाँ से 8 किलोमीटर ऊपर जाना है, उसका नाम है सात ताल। आपको बताएंगे उसको सात ताल क्यों कहते हैं। अभी तो इन सेब के बागानों से होते हुए, पत्थरों के बीच से होते हुए आपको ले चल रहे हैं ऊपर सात ताल। हरिओम प्रभु जी, अब हम सात ताल की तरफ जा रहे हैं। आधे से ज़्यादा रास्ता हमने तय कर लिया है और ये देखिए प्राकृतिक आनंद, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ। इस आनंद का कोई मोल नहीं है। और आगे जाएंगे प्रभु जी सात ताल। ये सात ताल के बारे में जो मुझे पता चला है, ये मानव निर्मित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये दैवीय निर्मित ताल कभी रहे होंगे, इनका कोई महत्व रहा होगा। अभी उनके अवशेष हैं, सात में से 3 ताल 4 ताल 5 ताल तक तो लोग देख सकते हैं। और आगे हम चलेंगे, वो स्थान आपको दिखाएंगे, 7 ताल की यात्रा कराएंगे। और यहाँ के लोगों का जीवन तो जंगल से है, तो जंगल में लोग, जैसे आपको बताया था, हिमालय में लोग अपने पशुओं को ले जाकर कुछ महीनों के लिए रखते थे, उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चलेंगे आगे और फिर आगे बात करेंगे 7 ताल के बारे में। हरिओम, देखिए क्या आनंद है चारों तरफ। इस आनंद का, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये कभी वर्षों पहले कभी पहाड़ टूटे होंगे, ग्लेशियर के साथ आए होंगे और जहाँ आए वहीं जम गए और जंगल साथ में हो गया। तो चलें यात्रा करते हैं आगे 7 ताल की। अब हम देखिए खुले में आ गए हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद, और अब हम ये 360 का व्यू देखिए, हम खुले में आ गए हैं। देखिए, और अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा जंगल पार करके उस तरफ जाएंगे, वहाँ 7 ताल है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सबको पार करके जाएंगे, लेकिन अब उस तरह की चढ़ाई नहीं है। यहाँ लोग अपने पशुओं को लेके आते हैं, गांव के लोग आते हैं। ये देखिए उनकी कुछ खेती होती है, राजमा की और चीज़ों की। ये देखिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप जी, ये हरिद्वार में हैं, मिशन हॉस्पिटल में। इनका घर यहीं पर है धराली में, और यहाँ उनका खेत है, उनके बाग हैं, तो उनके साथ यहाँ आने का मौका मिला है। यह देखिए आजकल हरा भरा है, बारिश के बाद तो ये देखिए सब गायें हैं यहाँ ऊपर आ जाती हैं, उनको भोजन होता है सारा दिन का। ये देखिए ये सब देसी गायें हैं। यहाँ पानी भी है, भोजन भी है इनके लिए, और रहने की व्यवस्था भी है। और ये जब दूध देती हैं तो भले ही कम देती हैं, लेकिन बहुत पौष्टिक होता है, क्योंकि ये जो भी खा रहे हैं ये शुद्ध है, पौष्टिक है, ऑर्गेनिक है। ये देखिए धराली से आने के बाद प्रभु जी, ये पहला ताल है और इसका नाम है मर्दुंग ताल। और ये आप देखें इसको, अगर तो ऐसे करके आप इसके जल को देख पाएंगे। धूप है इसलिए हो सकता है आपको जल ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन देखिए ये दिख रहा है। और ये देखने में तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है
और इसकी गहराई भी कम से कम 50-60 मीटर है। अभी हमें देखने में नहीं लग रही है। तो ये मर्दुंग ताल है और हिमालय से जल यहाँ पर आया है, हिमालय की पहाड़ियों से अंदर अंदर होते हुए और यहाँ ताल का रूप ले लिया है। ऐसे यहाँ पर 7 ताल हैं, 50-60 किलोमीटर गहरे हैं, बहुत लंबे चौड़े हैं, अभी धीरे धीरे कम हो गए हैं। और चारों तरफ ये आप देख रहे हैं, ये वृक्ष हैं, ये पहाड़ हैं। और करीब हम धराली से 5 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, सीधी चढ़ाई चढ़ के अब हम और तालों की तरफ जा रहे हैं। और आपको दिखाएंगे, इनको दैवीय ताल बोलते हैं, किसी ने बनाया नहीं है, प्रकृति ने अपने आप पानी को लाके यहाँ इकट्ठा किया। और यहाँ पशु जानवर आते हैं उनके, यहाँ की पौष्टिक जो वनस्पतियाँ हैं वो वनस्पति खाते हैं, इसलिए दूध उनका बहुत पौष्टिक होता है। जब मैं हिमालय में रहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं तो, मेरा तो भोजन ही फलाहार है, लेकिन फलाहार में भी दूध और लोकल फल। तो यहाँ जो कच्चे फल होते हैं, यहाँ की चाहे आपको यहाँ की ककड़ी हो, यहाँ का खीरा हो, यहाँ की वनस्पतियाँ हों, जो ये गाय खाती हैं ये हम भी खाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे आगे, यहाँ जो वनस्पतियाँ गाय खाती हैं उनको आप खाएं, बहुत मीठा मीठा खट्टा मीठा सा स्वाद है, लेकिन बहुत पौष्टिक होता है और गायों का दूध उससे बहुत पौष्टिक होता है। तो ये है 7 ताल का पहला ताल। और अभी हमें यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जंगल पार करके दूसरे मैदान में निकलेंगे, तब आपको वहाँ दूसरा ताल दिखाई देगा इस जंगल से निकल के। ये देखिए रास्ता बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा पगडंडी दिख रही है, वो आगे आपको दिख रही है। यहाँ से देखिए ये ताल का कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, मृदंग ताल का। नीचे से आपको नहीं दिखाई दे रहा था, अब हम ऊपर आ गए हैं, इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें तो कितना सुंदर ये नीला ताल देख रहे हैं आप। हरिओम प्रभु जी। अब मैं अकेले ट्रैक कर रहा हूँ, जिनको साथ आए थे उनको कुछ काम है, वो रुक गए हैं पहले ताल पर और अब हम जा रहे हैं आगे। ये देखिए ये वो ताल है जो आपको दिखाया था, पहला ताल इतने नीचे रह गया। अब हम ऊपर जा रहे हैं, दूसरे बुग्याल पे जा रहे हैं, करीब 2 किलोमीटर ऊपर। यहाँ जंगल में चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, ये देख रहे हैं आप, ये खास तरह की यहाँ पर कीट कहेंगे और छोटे छोटे से भौरे की तरह, भौरों की तरह है, तो वो भिनभिनाते हैं और कुछ चिड़िया जैसे भी हैं। और इनकी आवाज़ सुने आप, पेड़ों में भी आकृतियाँ बनती हैं। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं पेड़, इसमें आप देखना तरह तरह की आकृतियाँ देखेंगे, उतना ही आकृति दिखाई देगी। देखो यहाँ पर आपको दूसरे तरह की, ये देखिए ऐसा लगेगा कि दो लोग मिलकर बातें कर रहे हैं। और जैसे पास आएंगे अब आपको दूसरे तरह की आकृति दिखाई देगी, कोई आपको देख रहा है। और पास आ जाइए, दूर जाइए तो देखिए जंगल है। ये देखिए ये जो आनंद है ना प्रभु जी, ये जो दृष्टि है, ये जो नाद है, ये जो चहचहाट है, ये एक बार आपको इसका रस आ जाए, एक बार आनंद आ जाए। आपको घना जंगल दिखाई दे रहा है चारों तरफ, आप देखें तो आपको लगेगा जंगली जंगल है, कोई रास्ता नहीं होगा।
मतलब जंगल ही जंगल होगा, लेकिन इस जंगल के पीछे इसको पार करके जाएंगे तो आप देखेंगे एक और मैदान, एक और ताल, वहाँ बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे। हरिओम। प्रभु जी, इतनी ऊंचाई पे आने के बाद ये जंगल देख रहे हैं आप चारों तरफ, तो ये लगता है थक भी जाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इच्छा होती है चलो वापस चलते हैं, कौन आगे जाए जंगल में, पता नहीं क्या होगा। ये देखिए जंगली जंगल चारों तरफ, लेकिन अभी मैं आपको और ले चलूँगा आधे घंटे की यात्रा पर। और इस जंगल को हम दो जंगल क्रॉस कर लिए, हमने दो मैदान देखे, अभी इस जंगल को जब क्रॉस करेंगे ना प्रभु जी, तो जो आप पहुँचेंगे आपको लगेगा कि स्वर्ग में आ गए। कभी मन करता है एक बार आप सब लोगों को यहाँ की एक यात्रा कराऊं हिमालय की, कभी लगता है, फिर लगता है बाबा जी जाने। अभी आपको ले चलेंगे फिर एक जंगल के बाहर, एक खुले मैदान में, वहाँ आपसे बातें करेंगे, सत्संग करेंगे वहाँ। हरिओम। प्रभु जी देखिए, ये जंगल जो आप देख रहे हैं ना, इस जंगल को पार कर लिया, ये चीड़ और देवदार के वृक्ष, और ये देखिए एक और ताल, एक और मैदान, कितना सुंदर वातावरण भी, ताल भी, और उस पर जमी घास भी। ये देखिए बीच में ये पूरा मैदान, और चारों तरफ आप देखेंगे जंगल। ये जंगल हम क्रॉस करके यहाँ आए हैं, ये देखिए। और इसका थोड़े आगे जाएंगे इस मैदान के बाद, इस ताल के बाद, फिर एक जंगल शुरू होगा, वो आप देख रहे हैं, वो दूर में जो आप देख पा रहे हैं। इस मैदान के बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं सामने, फिर ये एक जंगल है, फिर ये एक 2 किलोमीटर का जंगल पार करेंगे, फिर ऐसा ही एक ताल मिलेगा, एक मैदान मिलेगा। इस तरह के यहाँ पे 7 ताल हैं, ये देखिए। अभी हम यहाँ जाके वो जो दूर आप देख रहे हैं उसको पार करके फिर हम एक 4th ताल पर पहुँचेंगे, और ऊपर आप देख रहे हैं बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ियाँ, चारों तरफ वृक्ष। अब यहाँ बैठेंगे, कुछ देर आपसे बातें करेंगे, मेरी इच्छा है कि सत्संग भी कुछ यहाँ पे कर लें। जब मैं पहली हिमालय यात्रा में आया था तो ये जो आप एक झंडा सा देख रहे हैं, यहाँ पर एक झंडा लगा था, और जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये 3 टपड़े देख रहे हैं, यहाँ पर एक झोपड़ी बनी थी, कुटिया थी, और यहाँ पर एक अघोरी कपल रहता था। मैंने उनकी बात बताई थी आपको, अपने वीडियो में जिक्र किया था कि 12 वर्षों के लिए एक अघोरी कपल, माताजी की उम्र होगी 18-20 वर्ष, और पुरुष की उम्र होगी प्रभु जी की 22-25 वर्ष, और वो लोग यहाँ रहे इस जंगल में, उन्होंने साधना की, और मैं उनसे यहीं मिलने आया था। अभी वो चले गए हैं कहीं, और देखिए ये फिर वही के वही उजाड़ हो गया है। हो सकता है कल फिर कोई यहाँ आए, फिर कल कोई कुटिया बनाए, कल फिर कोई साधना करे। जल का स्रोत है, वातावरण हरा भरा है, और ये पूरा स्थान आज यहीं सत्संग करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम। प्रभु जी, अभी हम
सात ताल में हैं। और सात ताल कहाँ है? उत्तरकाशी से जब आप गंगोत्री आते हैं तो पहला पड़ाव होता है भटवाड़ी, गंगनानी, हर्षिल और उसके बाद धराली। धराली गंगोत्री से 20 किलोमीटर पहले है और धराली से फिर एक रास्ता ऊपर ट्रैकिंग के लिए आया है करीब 7 किलोमीटर और इसका नाम है सात ताल। इसके बारे में हमने पता किया प्रभु जी, अभी आपको थोड़ा सा दिखाया भी था कि ये ताल मनुष्य से निर्मित नहीं है। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये देवीय ताल हैं, कि जंगल में जगह जगह मैदान से बने, पर्वतों से बर्फ पिघली, जल आया, इकट्ठा हुआ, एक रास्ता मिला नीचे जाने का, फिर ऐसे नीचे नीचे, तो पहाड़ से लेके नीचे तक ऐसे सात ताल हैं और सात जंगल है, जंगल से जाना होता है। मैंने आपको दिखाया था पहला ताल, उस ताल के बाद फिर जंगल, फिर ताल, फिर जंगल, फिर ताल और अभी फिर एक जंगल के बाद हम इस ताल पर आए हैं, इसलिए इस स्थान का नाम सात ताल है। यहाँ लोगों की खेती है, लोगों के जानवर बरसात के इस मौसम में यहाँ पर आ जाते हैं। पौष्टिक यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, गाय जो यहाँ की देसी गाय है वो उनको पान करती हैं, उनका दूध बहुत पौष्टिक होता है और जिनको ज्ञान होता है वो खुद भी उसको, यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं कभी कभी रात में या दिन में, वो भी उसका पान कर लेते हैं। जैसे ये हैं, ये यहाँ बहुत मात्रा में है प्रभु जी, इसको भोंटा कहते हैं, शायद भोंटा, मुझे ठीक से नाम याद नहीं होता है यहाँ की भाषा में, लेकिन शायद इसे भोंटा कहते हैं, इसे आम्राली, आतपा, ऐसे कुछ नाम है इसका। इसका ये आप देख रहे हैं, जैसे हमारे उत्तर भारत में कहीं चले जाइए चने होते हैं ना, चने, तो चने वाले जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे से, उसमें ये होते हैं नमकीन नमकीन से, इसको नमक और मिर्च लगा के खाते हैं। यहाँ के पहाड़ के लोग भी, ये चना नहीं है, ये तो केवल हरियाली है, इसको तोड़ लेते हैं और इसको सलाद की तरह छोटा छोटा सा काट के खाते हैं, बड़ा स्वाद है इसका, तो जिनको जानकारी है वो खा सकते हैं, बहुत पौष्टिक भी है। थोड़ा सा कसैला, आंवला कच्चा, कुछ कुछ नीम, इस तरह का स्वाद होता है। और ये भोंटा होता प्रभु जी, जैसे बांध होता है वो पानी बहुत सोखता है, तो ये जहाँ होता है वहाँ पानी बहुत होता है, इसके अंदर पानी होता है, गाय इसको खाती हैं, इसको खाती है, गाय बहुत पौष्टिक दूध होता है इसका, जो इसे गाय खाती हैं, इसके खेत के खेत हैं यहाँ पे, आपको दिखाएंगे। और इसकी ऐसी जड़ लीजिए, काट दीजिए थोड़ा सा, आप कहेंगे चक्कू है, चक्कू तो मेरे पास हमेशा होता है, और इसको आप भी खा सकते हैं। अगर आपको प्यास लगी है जंगल में, पानी आपके पास नहीं है, वैसे तो स्रोत हैं यहाँ पे जगह जगह, लेकिन ऐसी जगह जहाँ नहीं है आप इसे खा लीजिए। प्रभु जी ये दो तीन खा लीजिए, बहुत स्वाद है इसका, आपको प्यास नहीं लगेगी। एनर्जी, हम लोग कहते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी के लिए आजकल चला है नींबू पानी, नींबू नींबू, क्या क्या केमिकल केमिकल मिला के शहरों में, गांव में देखिए, इस समय हम 10,000 फीट हाइट पर होंगे, 8,000 फीट तो होंगे ही, इतना धराली से ऊपर आ गए हैं और ये सब यहाँ पे है, प्यास लग रही थी, ऐसे चार पांच खा लिए। अभी देखिए जंगल में पहचान होना चाहिए, बहुत तरह की वनस्पतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं,
स्टार्टअप करना है ये खा लीजिए, थोड़ा कड़वा कड़वा नींद की तरह एंटीबायोटिक। सलाद, यहाँ के लोग सलाद में इस्तेमाल करते हैं, उनका सलाद है ये ब्रेकफास्ट का, थोड़ी थोड़ी पतली पतली ऐसे काटते हैं, सलाद में मिलाते हैं। और ये तो मैंने आपको बताया, रस है इसके अंदर, आप दो तीन खा लीजिए, आपको प्रभु जी प्यास नहीं लगेगी शाम तक, भूख नहीं लगेगी जंगल में। यहाँ की भाषा में भोंटा कहते हैं। ये तो मैंने आपको परिचय करा दिया यहाँ का, लेकिन मेरा मन हो रहा था कि आप सत्संग करें आपके पास आपसे। अभी आपको इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, थोड़ा गैप हो गया है। हर्षिल, धराली, गंगोत्री, कुछ संत महात्माओं से भी मिलवाएंगे, लेकिन आज की यात्रा में मुझे लगा कि कुछ आपके प्रश्न की जवाब दे दें, कुछ मन की बातें कर लें एक बार फिर। अब दोनों चैनलों पर आप लगातार कुछ देखेंगे हर रोज़, कभी इस चैनल पर और कभी यात्रा कथा पर। मन की बात इसलिए कहता हूँ प्रभु जी कि जब कोई वीडियो आता है तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेल आते हैं। हमने आपको बताया था, अपना मेल आईडी दे दी थी, यात्रा कथा 777@gmail.com। लेकिन वो प्रभु जी इसलिए दी थी व्यक्तिगत, कभी कोई व्यक्तिगत परेशानी हो, कोई द्वंद्व हो, कोई विशेष हो जीवन का, परिवार के लोग हैं, परिवार से शेयर करना चाहते हैं, तब आप उसमें हमें मेल करें। लेकिन बहुत से लोग उस चैनल पर भी, यात्रा कथा पर भी अपने मोबाइल नंबर भेज रहे हैं। प्रभु जी अब मोबाइल नंबर की अब ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो बताया था, एक वीडियो बनाया था, 1500 से 2000 लोग हो गए हैं बस। अब यात्रा कथा में आप मत भेजिए, प्राइवेट नहीं रहेगा, अब सब पब्लिक होगा। अब जो भी आप भेजेंगे कमेंट, अगर व्यक्तिगत कमेंट है तो पब्लिक नहीं होगा, लेकिन हरिओम के साथ अगर नंबर है तो पब्लिक होगा। प्रभु जी कहाँ कहाँ रोकेंगे, इतना समय किसके पास है। यात्रा कथा तो मैंने एक नया चैनल बताया था कि आपको यात्राएं कराऊंगा, कुछ लोगों से मिलवाऊंगा, हमारी भारत की सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बताएंगे। वहाँ अपना उस कमेंट में अपने मोबाइल नंबर मत दीजिए, पब्लिक होंगे सब। और सब लोग फोटो भी मत भेजिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं फोटो कहाँ भेजें, वो तो प्रभु जी जब जीवन मृत्यु का प्रश्न होता है, जीवन का प्रश्न होता है, द्वंद्व होता है, सब करने के बाद परिणाम नहीं मिलता है, तब बाबा जी को जब अर्जी लगती है तो कहते हैं देख तो लें किसकी अर्जी लगा रहे हैं, हम खुद ही मांग लेते हैं कि एक फोटो भेज दीजिए। उस पर भी कुछ लोग नहीं भेजते हैं, अच्छी बात है, भेज देते हैं और अच्छी बात है, सब लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ना आप पूछिए और ना भेजिए। मोबाइल नंबर अब मत भेजिए, पब्लिक होंगे फिर मत कहिएगा कि पब्लिक हो रहे हैं। मेल आईडी पर अपने मोबाइल नंबर मत भेजिए, कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब मैं वीडियो में बात करता हूँ तो पूरा वीडियो सुन लिया करिए, देख लिया करिए, तो प्रभु जी आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हरिओम, थराली की तरफ, हरिओम।